नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं दिनभर की बड़ी खबरों की ओर। राम मंदिर निर्माण समिति की दो दिवसीय बैठक संपन्न हो गई है। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र के समक्ष कार्यदायी संस्था ने प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की है। संस्था ने अनुमान जताया कि मंदिर का भूतल जिसमें रामलला विराजेंगे वह अप्रैल 2023 तक पूरा हो जाएगा। गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी नेता की प्रधानमंत्री मोदी पर की गई टिप्पणी से कांग्रेस भी भड़की हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जातिगत टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हालांकि उन्होंने आप को भाजपा का ही हिस्सा बताया है। लखनऊ में मंगलवार को यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि यूपी बड़ी भूमिका के लिए तैयार है। पटेल ने कहा कि राम और राहुल के नाम में आर होना एक संयोग है, लेकिन हम भगवान राम की तुलना राहुल गांधी से नहीं कर रहे। भाजपा अपने नेताओं के लिए ऐसा करती है। राहुल गांधी एक इंसान है और वे मानवता के लिए काम कर रहे हैं। बिल्किस बानो मामले में दोषियों को रिहा करने के गुजरात सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए 29 नवंबर की तारीख सूचीबद्ध कर दी है। इस मामले में सीबीआई ने तेजस्वी यादव की जमानत रद्द करने की मांग की है। 28 सितंबर को कोर्ट ने तेजस्वी को सीबीआई की अर्जी का जवाब दाखिल करने के लिए मोहलत दी थी। इसके साथ ही 18 अक्टूबर को पेशी तय की थी। इस बार इस उत्सव को लेकर लोगों में गजब का उत्साह है। हर धर्म संप्रदाय को मानने वाला यहां पहुंच रहा। उत्सव स्थल की क्षमता 10,000 से है, इसलिए कई लोगों को प्रवेश देने से रोकना तक पड़ता है। मुंबई लोकल में आए दिन कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जो देश भर का ध्यान खींचती हैं। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे वायरल वीडियो की जिसमें लोकल के महिला कोच में तीन नारियों के बीच जमकर मारपीट होती दिख रही है। अभिनेता वरुण धवन इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म भेड़िया को लेकर चर्चा में है। ये फिल्म हॉरर और कॉमेडी दोनों है। इस फिल्म को लेकर इन दिनों काफी बज बना हुआ है। जब से इस फिल्म की घोषणा हुई तब से इसको लेकर दर्शक काफी एक्साइटेड है। हाल ही में इस फिल्म का पोस्टर रिलीज हुआ था जिसमें वरुण बहुत ही खतरनाक रूप में नजर आ रहे थे। अब इस फिल्म से कृति सेनन का भी नया लुक सामने आ गया है। ब्रह्मोस एयरोस्पेस के अध्यक्ष अतुल डी राणे ने रक्षा क्षेत्र में सुधार को लेकर मंगलवार को बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि भारतीय सैन्य क्षमता को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 तक रक्षा निर्यात में 41,000 करोड़ रुपए प्राप्त करने का लक्ष्य दिया है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ।